बुलेटिन की शुरुआत करते हैं रायपुर से खबर, जहां सीएम भूपेश बघेल हिमाचल प्रदेश के दौरे पर हैं। आपको बता दें, पूर्व मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह के अंतिम संस्कार में वो शामिल होंगे। वहीं मुख्यमंत्री भूपेश बघेल शाम 7 बजे रायपुर लौटेंगे। तो आपको बता दें, मुख्यमंत्री भूपेश बघेल आज हिमाचल प्रदेश के दौरे पर हैं। पूर्व मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह के अंतिम संस्कार में वो शामिल होंगे, उसके बाद वो रायपुर वापस लौटेंगे। तो आपको बता दें, मुख्यमंत्री भूपेश बघेल आज पूर्व मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह के अंतिम संस्कार में शामिल होंगे और हिमाचल प्रदेश के दौरे पर आज सीएम भूपेश बघेल रहेंगे। कांकेर में फसलों को आवारा मवेशियों से बचाने के लिए सरकार ने रोका छेखा कार्यक्रम की शुरुआत की, जिसके तहत आवारा मवेशियों को गांव के गोठानों में रखा जा रहा है। कार्यक्रम की शुरुआत वर्चुअली तरीके से जिले के प्रभारी मंत्री ने की। वहीं कार्यक्रम के तहत न केवल फसल सुरक्षित बचेगी, बल्कि आवारा मवेशियों को सड़क दुर्घटनाओं से भी बचाया जा सकेगा। एक अभियान चलाया जा रहा है, रोका छेका संकल्प अभियान। इसके तहत क्या है, पशुओं से जो होने वाली दुर्घटनाएं हैं, पशुओं से जो होने वाले नुकसान हैं, वो सब को ध्यान में रखते हुए जो खुले में घूम रहे हैं, ऐसे पशुओं को पकड़ के गौठान में रखने की व्यवस्था की जा रही है। अभी तक हमने लगभग 130 मवेशियों को पकड़ा है, और चूँकि अभी गौठान हमारा निर्माणाधीन है, ऐसी स्थिति में हमने उन सभी पशुओं को हमारा नया कम्युनिटी हॉल है, सामुदायिक भवन, वहाँ पे हम रखे हैं। उनके चारा पानी की पूरी व्यवस्था वहाँ की जा रही है। वहीं पूर्व सीएम रमन सिंह ने ट्वीट कर सीएम भूपेश बघेल पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि 2.5 साल से छत्तीसगढ़ में अव्यवस्थाएं और बदहाली का अंधेरा है, हर वर्ग प्रताड़ित है, सब लोग परेशान हैं और हर कोई गुस्से में है। तो 2.5 साल से छत्तीसगढ़ में अव्यवस्थाओं बदहाली का अंधेरा है, हर वर्ग प्रताड़ित है और सब लोग परेशान हैं। पूर्व सीएम रमन सिंह ने सीएम भूपेश बघेल पर निशाना साधा और ट्वीट कर इस न्यूज़पेपर कटिंग के साथ ये बात कही। उन्होंने कहा कि हर वर्ग प्रताड़ित है, सब लोग परेशान हैं और हर कोई गुस्से में है। सीएम भूपेश बघेल का बयान सामने आया। उन्होंने प्रदेश की कानून व्यवस्था पर कहा कि बीजेपी के शासनकाल और कांग्रेस के शासनकाल की तुलना कर लीजिए, हमारे शासन में अपराध कम हुए हैं, पुलिस कार्रवाई कर रही है और ये महत्वपूर्ण बात है। इस दौरान उन्होंने बढ़ते पेट्रोल डीजल के दामों पर भी केंद्र पर निशाना साधा और कहा कि तेंदुलकर की सेंचुरी की तरह पेट्रोल के दाम हर रोज बढ़ रहे हैं। और पेट्रोल की बात तो कुछ कहना ही नहीं है, वो तो मतलब तेंदुलकर के सेंचुरी की तरह ये भी लगातार बढ़ते जा रहे हैं। पहले कहा जाता था प्रधानमंत्री की उम्र के बराबर पेट्रोल की कीमत हो गई है, अब तो प्रधानमंत्री की उम्र जितनी उम्र है उसे 1.5 गुना बढ़ गया है। तो एक काम करिए, भारतीय जनता पार्टी कार्यकाल के किसी एक वर्ष का निकाल लीजिए और हमारे 2.5 साल में से किसी एक साल का निकाल लीजिए, दोनों तुलना कर लीजिए, अपराध उस समय ज़्यादा होता था कि अब ज़्यादा हो रहा है। क्योंकि जितने भी अपहरण की किस घटनाएं हुई है, तत्काल गिरफ्तारियां हुई, चाहे उद्योगपति की हो, चाहे बच्चे की हो, किसी की भी हो, हमारी पुलिस तत्काल कार्रवाई की है, एक्शन में आया है, उसमें सफलता भी मिली। भ्रष्टाचार के आरोपों में घिरे छत्तीसगढ़ के आईपीएस जीपी सिंह पर राजद्रोह का केस भी दर्ज हो गया, लेकिन केस दर्ज होने के बाद वे गायब हो गए। उनके वकील ने हाईकोर्ट में याचिका लगाई और कोर्ट से सीबीआई जांच कराने की मांग की। लेकिन सवाल यही उठ रहा है कि यदि आपने कुछ गलत काम नहीं किया है तो कानून से भाग क्यों रहे हैं। देखिए ये रिपोर्ट। विवादों में घिरा आईपीएस, भ्रष्टाचार में घिरा आईपीएस, राजद्रोह में घिरा आईपीएस, कहां है जीपी सिंह? एंटी करप्शन ब्यूरो के सिकंजे में फंसे छत्तीसगढ़ के सस्पेंड अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक जीपी सिंह पर गुरुवार देर रात 12 बजे राजद्रोह के तहत FIR दर्ज की गई। उनके सरकारी बंगले से कुछ चिट्ठियां, फटे हुए पन्ने और पेन ड्राइव मिली थी, जिसकी जांच में सरकार विरोधी गतिविधियों की बात सामने आई थी। इसके बाद सिटी कोतवाली में मामला दर्ज किया गया। वहीं जीपी सिंह आखिरी बार बिलासपुर में देखे गए थे, वे वहां से पुलिस को चकमा देकर गायब हो गए। हालांकि उनकी जल्द गिरफ्तारी हो सकती है।
एसीबी ओडब्ल्यू ने जो कार्रवाई की है वो उनकी जानकारी के अनुरूप अनुसार ही उन्होंने किया, और उसके बाद जो उनके पास जो दस्तावेज पाए गए और जिन कार्यों में संलिप्त रहे उसके अनुसार ही उन पे धाराएं लगी। दूसरी तरफ इस कार्रवाई से प्रदेश में सरगर्मियां बढ़ गई हैं। जीपी सिंह के साथ विवादों का चोली दामन का साथ रहा है, लेकिन इस बार उन पर राजद्रोह का गंभीर मामला लगा है। लोकतांत्रिक सरकार के खिलाफ साजिश करने का आरोप है। जीपी सिंह पर कार्रवाई से सियासी बयानबाजी भी बढ़ गई है। किसी बात से इनकार नहीं किया जा सकता। अगर कोई बात है, कहीं आग लगी है तभी धुआं उठा है, और कोई बड़ा षड्यंत्र का कोशिश था जो मिल करके और इस प्रकार की जो बात आप जो कह रहे हैं उसको अंजाम देने का कोशिश था। क्योंकि कोई भी सीनियर आईपीएस अधिकारी से ऐसे उम्मीद नहीं की जा सकती, और यदि उनके द्वारा किया गया है तो मुझे लगता है कि सरकार को उसको दस्तावेज को सार्वजनिक करना चाहिए। तो छत्तीसगढ़ की जनता ये जानना चाहती है सरकार से कि ये सार्वजनिक हो और बहुत सारे संशय की स्थिति जो उसमें आ रही है वो समाप्त होना चाहिए। इधर जीपी सिंह ने बिलासपुर हाईकोर्ट में कार्रवाई के खिलाफ वकील के जरिए याचिका लगा दी है, साथ ही इस पूरे मामले की सीबीआई से जांच कराने की मांग की गई है। उनके इन्वेस्टिगेशन को चैलेंज करते हुए याचिका प्रस्तुत हुई है। इस पर याचिकाकर्ता का ये कहना है कि जो इन्वेस्टिगेशन हो रहा है वो एकतरफा शासन के निर्देश पे इस उद्देश्य के साथ हो रहा है कि उनको फंसाया जाए, और इस याचिका में उन्होंने सीबीआई के द्वारा इन्वेस्टिगेशन की मांग की। आईपीएस जीपी सिंह भारतीय पुलिस सेवा के पहले अफसर हैं जिन पर प्रदेश में राजद्रोह का मामला दर्ज किया गया है। एसीबी ने जीपी सिंह के पुलिस लाइन स्थित सरकारी बंगले और उनके सहयोगियों समेत 15 ठिकानों पर 1 जुलाई को छापा मारा था। उनके पास 10 करोड़ की संपत्ति का खुलासा हुआ है। अभिषेक शुक्ल, बंसल न्यूज, रायपुर। बहुचर्चित भीमा मंडावी हत्याकांड एक बार फिर चर्चा में है। इस पूरे मामले की जांच कर रही नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी यानी एनआईए ने 20 नक्सलियों की सूची जारी की है जिनकी लंबे समय से तलाश की जा रही है। दरअसल दंतेवाड़ा में 9 अप्रैल को नक्सलियों ने दंतेवाड़ा से भाजपा विधायक भीमा मांडवी और 4 सुरक्षा कर्मियों की हत्या कर दी थी। इस दौरान नक्सली घटना स्थल से 4 हथियार भी उठा लिए गए थे। इसके बाद नक्सलियों ने दंडक अरण्य विशेष क्षेत्र की दरबा डिवीजन समिति के सचिव साईनाथ के नाम से बयान जारी कर इस हमले की जिम्मेदारी ली थी। जारी की गई सूची में 50,000 से लेकर 10 लाख तक के इनामी नक्सलियों के नाम शामिल हैं। अगर पूरी सूची की इनामी राशि को एक साथ जोड़ा जाए तो ये इनामी राशि 82 लाख रुपए से भी ज्यादा है। इस सूची में कई वारदातों का मास्टरमाइंड रह चुके हिडमा का नाम भी शामिल है। जम्मू एयरबेस पर ड्रोन से आतंकी हमले के बाद अब नक्सलियों की ड्रोन वाली साजिश से बस्तर पुलिस अलर्ट हो गई है। दरअसल 7 जून को सुकमा के दोरनापाल में संदिग्ध ड्रोन देखा गया था जिससे सिक्योरिटी फोर्स में हड़कंप मच गया। ड्रोन दिखने के बाद नक्सल प्रभावित इलाकों में सुरक्षा एजेंसियों ने सभी सुरक्षा बलों को अलर्ट कर दिया। माना जा रहा है कि नक्सली ड्रोन का इस्तेमाल करके सुरक्षा बलों की रेकी करने की फिराक में है। हालांकि अब तक बस्तर में नक्सलियों का कोई ड्रोन पुलिस ने बरामद नहीं किया है और ना ही अब तक कोई संदिग्ध ड्रोन आसमान में देखा गया है। फिलहाल अति नक्सल प्रभावित इलाकों में सुरक्षा बलों को खास सतर्कता बरतने के निर्देश दिए गए। अभी भी जैसे दुश्मन का हम कम आकलन नहीं कर सकता है, जो इधर इनके पास जो पुराना मॉडल सप्रांडी के तहत आईईडी एम्बुश ये सब उनका कॉमन तौर तरीके रहते हैं, फिर भी ड्रोन के माध्यम से कोई गतिविधि है ये इन सब चीज़ से हम अनदेखी नहीं कर सकता है। इन सब परिस्थिति को लगातार हमारे कैंप्स में जो जवानों को ब्रीफ की जाती है और इसको लेकर क्या कुछ हम काउंटर डिफेंस मैकेनिज्म तैयार कर सकता है उसी दिशा में लगातार कार्रवाई भी की जा रही है। आगे बढ़ते हैं बिलासपुर से खबर जहां नक्सल ऑपरेशन में पैर गंवाने वाले एसआई की याचिका पर फैसला हुआ। बता दें 45 दिनों के भीतर याचिकाकर्ता को बीमा कंपनी क्लेम दे, हाईकोर्ट ने आदेश दिए हैं। 2008 से लेकर अब तक के ब्याज समेत 5 लाख का क्लेम अब एसआई को दिया जाए। तो आपको बता दें नक्सल ऑपरेशन के दौरान प्रेशर बम के कारण एसआई ने अपना पैर गंवाया था और एग्रीमेंट के बावजूद बीमा कंपनी ने 5 लाख रुपए देने से इनकार कर दिया था।
वहीं 2007 में दंतेवाड़ा के जंगल में बम स्क्वाड टीम गई थी, उस दौरान यह हादसा हुआ था। और अब हाईकोर्ट ने आदेश जारी किए हैं जिसके चलते 45 दिनों के भीतर याचिकाकर्ता को बीमा कंपनी क्लेम दे, साथ ही 2008 से लेकर अब तक के ब्याज समेत 5 लाख का क्लेम बीमा कंपनी दे। दुर्ग से खबर, जहां अज्ञात बाइक सवारों ने बुजुर्ग से लूट की है। बताया जा रहा है 80,000 रुपए लूट कर बदमाश फरार हो गए। वहीं बैंक से पैसे निकालकर बुजुर्ग घर जा रहे थे, उसी दौरान बदमाशों ने मौके का फायदा उठाया और 80,000 रुपए लूट कर फरार हो गए। दुर्ग बस स्टैंड के पास की घटना बताई जा रही है। फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है। आज दोपहर 12:30 बजे एक व्यक्ति प्रार्थी है जो कि अपने पेंशन का पैसा निकालकर इलाहाबाद बैंक से बस स्टैंड आए हुए थे। बस स्टैंड में अब नाश्ता कर रहे थे, उसी दौरान एक मोटरसाइकिल में एक व्यक्ति आता है और उनका बैग छीन के भाग जाता है। उसी पर से यहाँ अभी सारे सीसीटीवी फुटेज और टीम के द्वारा इन्वेस्टिगेट की जा रही है। मामले में अपराध पंजीबद्ध किया जा रहा है। अभी फुटेज मिला नहीं, लेकिन फुटेज खंगालने की कोशिश की जा रही है, जल्द ही मिल जाएगा। चलिए हम नजर डाल लेते हैं कोरोना के ग्राफ पर। तो छत्तीसगढ़ में कोरोना का ग्राफ कम होता नजर आ रहा है। 24 घंटे में कोरोना के 391 नए केस सामने आए हैं। वहीं 5 मरीजों की कोरोना के चलते मौत हुई है। प्रदेश में 307 मरीज स्वस्थ होकर अपने घर लौटे। इधर सुकमा और बीजापुर में सबसे ज्यादा 44 पॉजिटिव मरीज सामने आए हैं। रायपुर में 23, जांजगीर चांपा में 28 कोरोना पॉजिटिव मरीजों की पुष्टि हुई और रिकवर्ड मरीजों की संख्या प्रदेश में 307 हुई है। तो 24 घंटे में कोरोना के 391 नए केस सामने आए हैं। 5 मरीजों की मौत हुई और सबसे ज्यादा केसेस सुकमा और बीजापुर से आए हैं। 44 पॉजिटिव मरीजों की यहां पुष्टि हुई। बालोद में युवा कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने अपने प्रदेश अध्यक्ष का ऐसा स्वागत किया कि सारे नियम कायदे ही भूल गए। स्वागत समारोह में ना तो सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखा गया और ना ही कोरोना गाइडलाइंस का। यह हालात तब बने जब प्रदेश अध्यक्ष कोको पाड़ी युवक कांग्रेस के सम्मेलन में शामिल होने के लिए एक दिन के दौरे पर बालोद पहुंचे। इस दौरान कार्यकर्ताओं ने सड़कों पर भीड़ लगा ली, जिससे कई देर तक यातायात भी प्रभावित हुआ। बालोद जिला में नवनियुक्त पदाधिकारियों का सम्मेलन रखा गया था और उस सम्मेलन में सभी प्रदेश के पदाधिकारी शामिल हुए। आने वाले 2023 और 2024 के लिए हम लोगों ने प्रण लिया कि कांग्रेस पार्टी के लिए मेहनत करते हुए कांग्रेस के संगठन को मजबूत करेंगे। बालोद जिला युवा कांग्रेस, छत्तीसगढ़ युवा कांग्रेस के और छत्तीसगढ़ कांग्रेस कमेटी के निर्देशानुसार बूथ तक जाएगी और बूथ में नए युवाओं को जोड़ने का काम करेगी ताकि कांग्रेस का संगठन मजबूत हो सके। कोरोना की दूसरी लहर में कई परिवारों ने अपनों को खो दिया। जिन परिवारों ने अपनों को खोया है उनके लिए कोरबा वन विभाग एक अनूठी पहल करने जा रहा है। ऐसे परिवार अपनों की यादों को सहेजने के लिए स्मृति के तौर पर पौधा लगा सकेंगे। वन महोत्सव के दौरान अपनों की याद में नगर वन पहुंचकर पौधा लगा सकते हैं और इसकी पूरी तैयारी कर ली गई है। इसके लिए रजिस्ट्रेशन किया जा रहा है। वहीं वन विभाग की इस पहल से हरे भरे पेड़ पौधों का उद्यान विकसित होगा। वहीं कोरोना से संघर्ष करते जिंदगी हार जाने वाले लोगों के प्रति अपनों और जिलेवासियों की एक सच्ची श्रद्धांजलि भी साबित होगी, क्योंकि ये पेड़ पौधे उन्हें अपनों के पास होने का एहसास कराते रहेंगे। बालोद में एक अनोखी बारात का वीडियो सोशल मीडिया पर काफी वायरल हुआ है। इस वीडियो में दूल्हा अपनी बारात घोड़े पर नहीं बल्कि पारंपरिक ढंग से बैलगाड़ी पर लेकर गया। इतना ही नहीं, दूल्हे ने बैलगाड़ी पर बारात लेकर पूरे गांव का भ्रमण भी किया। सोशल मीडिया पर लोग दूल्हे के इस अनोखे कदम की काफी तारीफ कर रहे हैं। न्यायधानी कहलाने वाले छत्तीसगढ़ के बिलासपुर में इन दिनों एक नई समस्या सिर उठा रही है। ये समस्या है चंद पैसों की लालच के चलते बच्चों के बचपन को नशे की लत की तरफ धकेला जा रहा है। हल ढूंढने के नाम पर जिम्मेदार केवल खानापूर्ति में जुटे हैं। नशे की गिरफ्त में बचपन समा रहा है। कहते हैं बचपन हर गम से बेगाना होता है, शायद इसीलिए लेखनी के जरिए बचपन के बारे में बहुत कुछ लिखा गया है। मसलन सिर्फ बचपन ही होता है तो शायद किसी बात की चिंता नहीं होती है, यानी हर लिहाज से बेदाग चिंता रहित बचपन को सबसे ज्यादा अच्छा माना गया।
पर अफसोस इसी बात का है कि समय के बदलते चक्र ने आज बचपन को भी एक ऐसे गर्त में ढकेल दिया है, जब कुछ दृश्यों को देखकर लगता है कि आखिर बचपन को ऐसा क्या तनाव हो गया कि बचपन ने इन आदतों को अपना लिया। कहाँ से लाते हो पैसा? कबाड़ी बनते। तो कितने का मिलता है ये बम फिक्स? 35। अच्छा, इससे क्या होता है? नशा। तो घर में मना नहीं करते आप लोग? करते हैं। फिर क्यों करते हो नशा? अब से नहीं करेंगे भैया। पैसा कहाँ से मिलता है खरीदने के लिए? नहीं, नहीं रहता तो नहीं पीते हैं, पैसा कमाते तो पीते, नहीं पीते। ये वो बच्चे हैं जिनमें आने वाले कल की संभावनाएं छिपी हैं। चोरी छिपे ये वो नशा कर रहे हैं जो इनके दिल दिमाग को अपराध की दुनिया तक ले जा सकता है। बिलासपुर शहर में बच्चों को नशीला पदार्थ बड़ी आसानी से मिल रहा है और शौक के तौर पर इस्तेमाल किया जाने वाला नशा बचपन को नशे की गर्त में ढकेल रहा है। सबसे खास बात यह है कि नशा दूर दराज नहीं बल्कि शहर के कुछ इलाकों में आसानी से मिल रहा है और शाम हो या दिन छिपते छिपाते बच्चे नशे के गुबार में गुम होते जा रहे हैं। नशे के चंद कश में खुद को बर्बाद कर रहे इन बच्चों से जब बंसल न्यूज से बातचीत करने की कोशिश की तो नशे से लड़खड़ाती लाल आंखों में कैद नशे में क्या कहती हैं इन बच्चों की जुबान, आप खुद सुन लीजिए। अच्छा, जब नहीं मिलता है तो फिर कैसा लगता है? नहीं मिलता तो दमी कैसा लगता है? दमी। अच्छा, अभी नशा लग रहा है? ऐसा लगता है मर जाऊंगा ऐसा लगता है। अभी ठीक लग रहा है? अभी ठीक लग रहा है, मिल गया तो। अच्छा, घर में मना नहीं करते? घर में नहीं जानते, जानेंगे तब पता चलेगा। तुम लोग कहाँ कहाँ घूमते हो? अच्छा, चोरी भी करते हो? चोरी कभी कभी करते हैं बस। दरअसल पिछले कुछ समय से इन मासूम चेहरे के हाथों में कुछ ऐसा पहुंच गया कि धीरे धीरे बचपन नशे की गिरफ्त में जा रहा है। बच्चे चोरी छुपे, सिलोचन, व्हाइटनर, बाम जैसे नशों का उपयोग कर रहे हैं। जानकारों की माने तो इन चीजों में नशा इतना होता है कि उस दौरान दिमागी शक्ति बेकाबू होकर एक अलग ही दुनिया में तैरने लगती है। बिलासपुर के आने वाले कल की भयावह तस्वीर की कल्पना करते हुए नशा मुक्ति जैसे केंद्रों को खोलने की मांग की जा रही है। जागरूकता के नाम पर वैसे तो दावे बहुत किए जा रहे हैं, लेकिन हकीकत में इन दावों की पोल ये तस्वीरें खुद खोल रही हैं। समाज कल्याण विभाग साल में एक दिन दिवसों में जागरूकता का ढोंग पीटकर अपने कर्तव्यों से पल्ला झाड़ रहा है, तो दूसरी तरफ चाइल्ड प्रोटेक्शन विभाग के जिम्मेदारों के हाथ इसलिए बंधे हैं कि सरकार इस मामले में कोई कदम नहीं उठा रही है। उनके माँ बाप ही या उनके जो भी अभिभावक थे वो ही उनको इसके लिए उत्प्रेरित करते थे, और आज भी आप हमारे घर के आसपास देख लीजिए, हर जगह रोड में, कहीं भी चौक चौराहों में वे जो भीख मांगते बच्चे दिखते हैं, कार रोक रोक के साफ करते हुए, वे केवल नशे के लिए ही उतना काम करते हैं। फिर वो सॉल्यूशन अपने एक उसमें सूंघते या करते रहते हैं और उसके बहाने उसको नहीं मिलने के कारण लोग और उसके जुगाड़ में, समझ जाइए, वे चोरी करते हैं और कई तरह की लूट की घटनाएं करते हैं। जो एडक्स या जो भी सॉल्यूशन खरीदेगा कि पंचर बनाना है तो वो चीज़ों पे तो थोड़ा सा मुश्किल होगा, लेकिन यह है कि जो बच्चे हैं उनकी काउंसलिंग करके, और चूंकि वो बच्चे हैं तो उतना नहीं समझ रहे हैं, तो उनके जो पेरेंट्स हैं उनकी काउंसलिंग करके उनको, और स्कूल्स में भी जो है इस तरह से कि ये चीज़ें किस तरह से नशा जो है वो आपके स्वास्थ्य के लिए खतरनाक है, आपके भविष्य के लिए खतरनाक है, वो चीज़ें जब तक हम बच्चों के अंदर, चाहे स्कूल के माध्यम से या परिवार के माध्यम से या किसी सामाजिक संस्थाओं के माध्यम से जब तक हम नहीं डालेंगे तो काफ़ी टफ है। बहरहाल संस्कारधानी, न्यायधानी जैसे तमगे की सुशोभित बिलासा नगरी में पनप रहे धुएं के गुबार में कैद होते बचपन को बचाने के लिए अगर जल्द ही कोई कदम नहीं उठाए गए तो वीरांगना बिलासा नगरी कहलाने वाले बिलासपुर का आने वाला कल काफी चिंताजनक होगा। अब इससे कल्पना किया जा सकता है कि जो बच्चों के हाथों में कलम होने चाहिए थे, जिनके हाथों में देश का भविष्य है, उनके हाथों में नशे का ये जो सामग्री है, जो पदार्थ है, वो उनके हाथों में है, और इससे कहीं ना कहीं जो आने वाला हमारा भविष्य वो खराब होता दिखाई दे रहा है। कैमरामैन प्रकाश राव के साथ उमेश मौर्य, बंसल न्यूज, बिलासपुर। और अब बात एक अलग खबर की। ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि महासमुंद में बने गोबर के उत्पाद अब आपको सबसे बड़े ऑनलाइन शॉपिंग ऐप अमेजोन पर बिकते हुए नजर आएंगे। इस बात की पुष्टि खुद अमेजोन की टीम ने की है। खास बात यह है कि यहाँ बनाए जाने वाले उत्पाद पर्यावरण को संरक्षित करते ही है। इसके अलावा ये मोबाइल के रेडिएशन को भी कम करने में उपयोगी माने जा रहे हैं। देखिए ये रिपोर्ट।
महासमुंद वेद माता गायत्री गौशाला में बनाए जाने वाले गोबर के 33 से ज्यादा उत्पाद अब विश्व पटल पर नजर आएंगे, क्योंकि विश्व की सबसे बड़ी ऑनलाइन शॉपिंग ऐप अमेजन इन उत्पादों को अपने पोर्टल पर जगह देने जा रहा है। इस गौशाला की शुरुआत बूचड़ खाना जा रही 102 गायों को बचा कर की गई थी और आज यहाँ 400 से ज्यादा गाय हैं। यहाँ दैनिक जीवन में उपयोग में आने वाले अनेक उपयोगी सामान भी बनाए जाते हैं। 2008-09 से गौसेवा से ये रजिस्टर्ड है और बीच बीच में गौसेवा में मीटिंग होते रहते हैं जहाँ हमारी प्रोडक्ट रखते हैं हम लोग, और उन प्रोडक्ट के माध्यम से अनेक राज्यों से आते हैं, वहाँ सभी जिलों से आते हैं वहाँ पे, तो बहुत सारे व्यक्ति जुड़े हुए हैं, बहुत सारे प्रोडक्ट ले जाते हैं वहाँ से। यहाँ 30 से 32 प्रकार के प्रोडक्ट बनते हैं, जिसमें से धूप बत्ती है, साबुन है, कीटनाशक है, केचवा खाद है, गोबर की स्टिक, लक्ष्मी की मूर्ति, गणेश की मूर्ति, अन्य बहुत सारे प्रोडक्ट हैं। इसके साथ ही संस्था की सकारात्मक पहल ने उन महिलाओं और बेरोजगार ग्रामीणों को रोजगार दिया है जिनकी माली हालत खराब थी, लेकिन आज ये लोग यहाँ काम कर अच्छी आमदनी कमा रहे हैं। पहले तो मैं यहाँ घर में चूल्हा जलात रही हूँ, अब तो मैं यहाँ अपन बच्चा मन अच्छा पढ़ा भी सकत हूँ, अपन घर के देख रेख कर सक, काबर कि आजकल के पति एक कमाते हैं तो एक से काम से नहीं हूँ, अब दोनों जन कमाबो तब तो हो ही, ओकर से दिना में गौशाला में आ हूँ, सर से मतलब पूरा सीखे हूँ, जो भी मोल सीखे से ओकर से सीख के मैं यहाँ यही काम करत हूँ। बहुत कुछ बदलाव आया, पहले तो रोजगार था यार, यहाँ आने के बाद रोजगार मिला, बहुत बदलाव आ गया। हाँ अभी तो आराम से कर पा रहे हैं, अभी तो परेशानी दूर हो गया। निश्चित तौर पर महासमुंद के उत्पाद विश्व पटल पर अपनी चमक बिखेरेंगे। इसके साथ ही गो संवर्धन के आर्थिक आधार को लेकर भी बेहतर नजीर पेश होगी और वेद माता गायत्री गौशाला के प्रयास को एक मॉडल के रूप में पेश किया जाएगा। जब भी विकास की बात होती है तो उस बदलाव के चलते कुछ ना कुछ जरूर प्रभावित होता है। दरअसल बिलासपुर में अरपा रिवर फ्रंट डेवलपमेंट प्रोजेक्ट जहां एक तरफ विकास की इबारत लिखने की तैयारी कर रहा है, तो वहीं ये विकास की बयार नदी किनारे रहने वालों के लिए मुसीबत का सबब बन गई है। देखिए ये रिपोर्ट। अरपा को टेम्स बनाने का सपना आज का नहीं है, बल्कि ये सपना दशकों पहले देखा गया था, जिसे अब सच करने की कोशिश की जा रही है। शहरवासियों के लिए ये किसी सौगात से कम नहीं है, लेकिन अरपा के किनारे रहने वाले जबड़ा पारा के बाशिंदों के लिए ये प्रोजेक्ट खासा चिंता और परेशानी में डालने वाला साबित हो रहा है। स्थानीय लोगों की माने तो बड़ी बड़ी मशीनों की धमक की वजह से उनके घर में दरारें आ रही हैं। दरारों की वजह से मकान कमजोर हो रहे हैं और कभी भी गिर सकते हैं। अरपा प्रोजेक्ट में आया जब ये मकाने सब टूटे और उसके टूटने के बाद में जब रेत पटाए, उसके बाद रेत पटाने के बाद जो झंझनाहट वाला मशीन जो आता है ना, प्रो वाइब्रेशन से पूरा घर हम लोग का अभी बनाया हुआ ये पूरा स्थिति है कि कभी भी टूट सकता है। और ये झाड़ देख रहे हो एक तरफा हो गया है ना, और ये मंदिर भी देखे हो, मंदिर भी पूरा दरार कर दिया। मेरे घर के अलावा 2-3 घर और ये मंदिर और ये पेड़ और आगे और भी घर हैं ऐसे। और ये सब जो अभी काम चला उसकी वजह से पूरे दरारें आ गई, सब मतलब टूट रहे हैं, सीमेंट सब करवाए थे, लिपाई पुताई सब करवाए थे, जब से इधर का तोड़फोड़ चालू हुआ तब से फिर पूरा सब मतलब गिर रहे हैं। वहीं मामले में निगम के जिम्मेदार कुछ भी बोलने से बचते नजर आ रहे हैं। प्रोजेक्ट के इंजीनियर का कहना है कि इस तरह की शिकायत उन तक नहीं पहुंचती है, शिकायत आती है तो उच्च अधिकारियों को अवगत करा दिया जाएगा। अभी जिस तरफ एरिया में क्रैक आए हैं वहाँ 15 दिन पहले काम चल रहा था, अभी उस एरिया में कोई काम नहीं चल रहा है। वाइब्रेटरी रोलर से वाइब्रेशन होता है उसकी उससे संभावना है। अभी वैसा तो इस प्रोजेक्ट में कोई प्रावधान नहीं है, अब जो कारण तकनीकी कारण समझ में आ जाएगा फिर प्रशासन को अवगत कराएंगे। फिलहाल 4 करोड़ खर्च करने के बाद भी योजना फाइलों से बाहर नहीं आ सकी है। कांग्रेस के शासन में इस प्रोजेक्ट को अपग्रेड करते हुए शुरू किया गया है।